अब यहां देखिए ध्यान से, दिस चैप्टर दिया, टुडे आई विल टीच यू रिलेटिव मोशन इन 2D. 2D जो मोशन का रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं यहाँ पे, ये आपका 1D बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है. इन केस ऑफ 1D हम वेक्टर डायरेक्शंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वहां पे डायरेक्शंस कुछ होती नहीं, बस सब लोग एक ही तरह मूव कर रहे होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स विल बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो उनका वेक्टर डिफरेंस निकालने के लिए हमको ट्रायंगल मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है. मतलब कि हमको दो वेक्टर ड्रॉ करने पड़ते हैं अलग अलग, ए कहाँ जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, सी कहाँ जा रहा है, डी कहाँ जा रहा है, जो भी कुछ होगा वो ड्रॉ करना पड़ता है. उसके बाद हमें ये भी पता करना पड़ता है कि वी ए बी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ये आपको बोलते हैं वी बी ए क्या होता है. तो वी बी ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा रहता है इसमें. तो जो पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन में, वो आप ध्यान समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना आप ट्रायंगल पूरा करिए और एरो को बनाइए, ठीक है. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने बताया था, फिर से मैं मीट ऑफ करता हूँ कैसे करना होता है. तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, आप इसको देखते हैं. आपका ऑलरेडी सब थोड़ा बहुत पहले से हो चुका है, तो लिखिए वैन two objects move in different directions, ठीक है, then the motion of an object with respect to other object is called its रिलेटिव मोशन, ठीक है, इन 2D. 2D होगा इसलिए आपको 2D नाम दे देता, ठीक है. जैसे यहां लिखा रहता है कि हम ये बोलेंगे, तो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि हमें लिखते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट A होगा यहाँ पे, जैसे हमने A ड्रॉ कर देंगे, कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा, ये आप बोलेंगे ये A ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई B आएगा, तो यहां से यहां मूव करेगा, सपोज ये आप दिखा देंगे ये वी ए होगा, ये क्या होगा वी बी आएगा, और यहाँ बी लिखा होगा, तो लिखेंगे हाँ मेरा ये आ रहा है इसमें, यू कैन से हियर. देखिए वी ए भी क्या होता है, ये होता है वी ए माइनस वी बी, और मैंने ये भी कहा था ये कि एस सीन, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, एस सीन बाई बी, मतलब जो बी को दिखेगा, बी को वी ए भी दिखेगा, ठीक है, एंड वी बी ए होता है वी बी माइनस वी ए, ये लिखा रहता है. यू कैन सी एस सीन बाई ए को ही दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा. बाकी में बच्ची बात है कि हमको इसको ड्रॉ करना होता है, दिखाना होता है, तो मैंने आपको भी बताया था इसमें कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. हमने कहा भाई हमने इसे ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से, आप ये लिखेंगे कि हमने इसे ड्रॉ कर दिया,
यू कैन सी इट हियर। तो देखिए यहाँ जब मैंने ड्रॉ किया इसको इस तरीके से, एक बार यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक बार और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ दोनों को। तो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, जो भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हो इसमें। फिर आप कहते हैं इसको ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई लिखा होता है। अब यहां से हम ड्रा करते हैं ए को, देखिए ए कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है हॉरिजेंटल। तो आप हम तुरंत क्या करेंगे, हम भाई इसको उठा के यहाँ लाएंगे और कहेंगे भाई ये हॉरिजेंटल आ रहे हैं। तो ये हो गया वी, हो गया। दूसरा क्या होगा, वी भी देखिए ऐसे भाग रहा है, तो आप इसको ऐसे ड्रा कर देंगे तो तुरंत ये क्या आएगा, ये देखिए वी भी आएगा। यही केस मैं यहां भी करूंगा कि मैंने इसको ड्रा कर दिया वी ए, मैंने इसको ड्रा कर दिया, ये क्या हो गया वी भी आ गया। अब होगा क्या, अब मैंने क्या सिखाया था कि हमको चाहिए था वी ए बी, क्या चाहिए था वी ए बी। देखिए वी ए बी में कौन पॉजिटिव है, इसमें इसमें कौन पॉजिटिव है, वी ए। आपको मैंने सिखाया था कि भाई जब हम इसको मिलाएंगे इसको इस तरीके से, इसको मैं जो ज्वाइन करूंगा है ना इसको, तो जब ज्वाइन करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि भाई जो पॉजिटिव वो हेड बन जाता है। तो इसको मैंने ज्वाइन किया ऐसे मिला दिया हमने इसको, तो ये आपका बन गया हेड और इसका नाम होता है वी ए बी। अच्छा वी ए सॉरी वी ए बी है ना, वी ए पॉजिटिव आएगा। तो ये मैंने नीचे दिखाना चाहिए था, ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज व्हाट, ये जो लिखा ना वी ए बी आपको यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये यू कैन से कि एस सीन बाई बी। बी को ऐसा लग रहा होगा कि वी ए यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जा रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। वी ए तो यहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट ए, लेकिन बी को लग रहा है कि वो ऐसे जा रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खुद कहीं जा रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट भी चुपचाप बैठा रहे, वो रुक जाए कहीं कुछ ना भागे, तो उसको एक्चुअल दिखाई पड़ेगा। एक्चुअल मीन्स क्या होता है कि भाई जो सच में हो रहा होगा, जो सही में हो रहा हो, लेकिन हम लोग हम कहीं भाग रहे हैं, आप कहीं भाग रहे हो, तो होता क्या है कि मुझे कुछ और ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ, तो मुझे अपने रिस्पेक्ट में आप दिखाई पड़ोगे, तो मुझे दिखाई पड़ेगा वी ए बी। अगर मैं बी हूँ तो, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन का केस बताया था कि हम जो ट्रेन में बैठते हैं तो हम देखते हैं भाई सब कुछ पीछे भाग रहा होता है, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप खुद भाग रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो आपको अपने रिस्पेक्ट में सब लोग दिख रहे हैं कि सब लोग पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई तो कुछ और है, सच्चाई तो ये है कि भाई कोई कहीं नहीं भाग रहा है, आप ही भागते जा रहे हो और आप अपने आप को देख ही नहीं रहे, आप देख रहे हो दूसरे वाले को और आप बोल रहे हो कि सब लोग पीछे पीछे भाग के चले आ रहे हैं। तो ये होता है कि अगर आप खुद मूव कहीं कर रहे होते हैं तो आपको सच दिखाई नहीं पड़ता है, फिर आपको दिखाई पड़ता है रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स क्या कि आपके खुद की रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर रहा है वो आपको जो लग रहा होता है दिखाई पड़ रहा होता है। तो वी ए बी क्या है, वी ए बी सच नहीं है लेकिन बी को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वी बी ए सच नहीं है लेकिन ए को ऐसा लग रहा है। तब मैं जब इसको मिला दूंगा कि वी बी ए करना है, मैं उसको फिर से ड्रॉ कर दूंगा, आप कहेंगे ये आएगा ऐसे। अब देखिए वी बी ए क्या होता है, ये आपका आएगा वी बी ए, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, इट इज व्हाट कि एज सीन बाय ए। ए को ऐसा लगता है, जो ए को दिख रहा है वो भाई मानेगा, ए बोलेगा कि बी ऐसे भाग रहा है और बी बोलेगा कि ए ऐसे भाग रहा है, उल्टा दिख रहा होगा। यहाँ पे जो होगा वी ए बी और जो वी बी होगा, दोनों आपस में अपोजिट वेक्टर होंगे, मतलब निगेटिव वेक्टर होंगे। वी ए बी और वी बी ए आपस में बराबर होंगे इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपके अपोजिट आते हैं, ठीक है। देखिए इसको ऐसा कहते हैं, यहाँ तक आपका हो चुका था, ठीक है। अब इसमें देखिए केसेस क्या क्या आते हैं भाई, इसमें क्या क्या हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें स्विमिंग प्रॉब्लम। स्विमिंग प्रॉब्लम मतलब होता है कि हम किसी रिवर में होते हैं, रिवर में हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो देखिए, अगर हम लोग किसी रिवर में हैं, ठीक है, उसमें स्विमिंग कर रहा हूं मैं, तो जाहिर सी बात है उस रिवर का फ्लो भी होगा। अगर आप उससे रिवर में कुछ नहीं करते हैं, तो आप उस नदी के बहाव में बह जाएंगे, फिर वो जो रिवर का फ्लो का वैसे जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे आप भी चलते चलते चले आएंगे। लेकिन हमसे बोला जाता है कि भाई हमको नदी पार करनी होती, तो नदी पार करनी तो हमारी स्पीड क्या हो जिससे हम भाई नदी को पार कर सकें, इसमें सारी बातें पढ़ाई जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, इसको बोलते हैं रेनिंग प्रॉब्लम। रेनिंग मतलब जैसे कि आजकल रेनिंग सब जगह पूरे दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन जब रेनिंग होती है तो हम लोग बाहर निकलते हैं भाई अम्ब्रेला लेकर के, ठीक है। आजकल तो लोग रेनकोट पहने निकल जाते हैं, अम्ब्रेला कौन पकड़े रहता है सारा। लेकिन अगर अम्ब्रेला पहन के हम निकलते हैं, ठीक है, तो रेनिंग कैसी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अम्ब्रेला का एंगल सेट कर। पापा नीत ने मैगी लावा की, तुझे मम्मी है। हाँ, टेलिंग यू। तो जैसे ही आप रेनिंग के लिए बाहर निकलेंगे, रेनिंग बाहर हो रही है, आप निकल गए बाहर भाई अम्ब्रेला लेकर के, तो आपका ये खुद का अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि भाई रेनिंग अगर वर्टिकल हो रही है तो आप अम्ब्रेला सीधा रख लेते हैं, किसी एंगल पर हो रही तो आप उसी एंगल पर अपना अम्ब्रेला पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होता है भाई कि हम देखते हैं या हमें जो लग रहा होता है। अब होने और लगने में बहुत अंतर होता है, हो तो कुछ और हो रहा होता है, हमको कुछ और लग रहा होता है। तो यहाँ पे मेरी बात आती है कि सच्चाई तो कुछ और होती है, सच्चाई तो ये हो रही है कि भाई रेनिंग हो रही है, ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन आप भी तो दौड़ रहे हो। जब आप दौड़ रहे होगे, आप भाग रहे होगे, तो आपको सच दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा आपके खुद के रिस्पेक्ट में रेनिंग की स्पीड, रेनिंग की डायरेक्शन सब दिखाई पड़ेगा, और आपको जो दिखाई पड़ेगा आप उसी को सही मानेंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना अम्ब्रेला पुट अप करेंगे, ठीक है। दैट थिंग इज क्लियर कि हाँ भाई ये हमको करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में आते हैं, ठीक है। स्विमिंग का केस आता है, स्विमिंग में भी भाई हम चाहते हैं कि हम नदी पार करें, तो उस रिवर को पार करने के दो रास्ते हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक रास्ता होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा रास्ता होता है शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, समझे आप। तो देखिए, जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है वो एक अलग पॉलिसी पे काम करता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम का मीनिंग क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम नदी को बहुत जल्दी जल्दी पार कर जाएं, और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि हम चाहते हैं कि हम नदी में को जब क्रॉस करें तो बिल्कुल अपोजिट पहुंच जाएं जहां थे उसके ठीक सामने, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात का बताइए, अपना ध्यान से समझ के, पहले मैं लिखा देता हूँ, ठीक है आपको। एप्लीकेशन साफ ऐसे बोल सकते हैं आप, एप्लीकेशन साफ रिलेटिव मोशन इन टू डी, ठीक है। मुन इन टू डी अभी लिखी ध्यान से, फर्स्ट नंबर। रिलेटिव मोशन रिवर फ्लो, ठीक है। अब देखिए, रिवर फ्लो में दो बातें आ जाती हैं। एक बात आती है कि हम लोग वनडी आप इसमें लिखिए, इतना लिखिए, ऐसा करते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी रिवर प्रॉब्लम,
इन 1D, 2D भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं 2D नहीं आएगा, ठीक है, 2D भी आएगा, ठीक है। हम पहले 1D में क्या होता, 1D में क्या होता, देखिए जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ऐसे मान रखा है कि ये रिवर का फ्लो हो रहा है, जैसे दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो होगा क्या कि जो रिवर है उसका फ्लो देखिए ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, और हम भी पैसी में कूद गए, अपना तैरना ना आता होगा तभी आप कूदिएगा, अदरवाइज मत कूदिएगा। तो ये भाई कोई पर्सन है, थोड़ा मैं बड़ा दीप बना दूं ताकि सबको दिखाई पड़े, ये कोई पर्सन है भाई, ऐसे, ठीक है। अब ये बेचारा रिवर में कूद गया है, अब इसकी खुद की स्पीड क्या है, मानो इसकी खुद की स्पीड जो है वो आपके वी आती है, रिवर की स्पीड क्या है यू मान लीजिए, ठीक है, आपको समझ आ रहा बातें। तो अगर आप रिवर के फ्लो में चलेंगे, ठीक है, तो आपको तो भाई मजा आएगी रिवर के फ्लो में, क्योंकि रिवर आपसे लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, वो आपको खुद ही बहा बहा के लेके जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आप उस नदी के बहाव में बह जाएंगे, कम से कम आपकी स्पीड उस रिवर के फ्लो के बराबर तो होगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, होता ये कि भाई हम भी तो कुछ काम कर रहे होते, हम भी कुछ स्विमिंग कर रहे होते, तो हमारी स्विमिंग की जो स्पीड होती है वो यू से जुड़ जाती है। मान लीजिए कि आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो रिवर की स्पीड है वो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 और 3 क्या मिल गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो कि आपकी स्पीड तो यार 8 हो गई, 5 + 3, तो योर स्पीड इज कॉल्ड 8 मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि नहीं भाई, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। डाउन मीन्स क्या होता है कि नीचे आना, नीचे जाना मतलब क्या कि रिवर के फ्लो में रहना, ठीक है, इससे बोलते हैं। अब तो उल्टा जाएगा, तो यू कैन से कि व्हेन अ पर्सन स्विम्स in river in the direction of river, then तब क्या होगा भाई, तब होगा क्या, then the net velocity of the person will be, आप बोलेंगे v plus u आएगा, and is called downstream, down stream, ठीक है, सबको समझ आ गया, बताइए is it clear to all of you, आप खुद भी समझ रहे होंगे, क्योंकि भाई भले आप रिवर में स्विमिंग ना करें, आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन ये बात का तो आप अनुभव कर सकते हैं कि भाई ये सच है कि अगर हम लोग रिवर में, कोई पर्सन रिवर में अगर जाता है और वो रिवर डायरेक्शन में ही जा रहा है तो वो बड़ी स्पीड से भाग रहा होता है। हमने बोटिंग देखा होगा, राफ्टिंग देखा होगा, ठीक है, बहुत जगह जो हिल टेक होते हैं आप लोग राफ्टिंग करते हैं नदी में, वहां क्या होता है कि जहां पर नदी का बहाव होता है वहीं पर ही उनकी बोट भागते चली जा रही होती है बड़ी स्पीड से, ठीक है, तो होता है कि उसका बहाव बहुत तेज होता है और उनकी बोट भी चल रही होती है, तो बड़ी स्पीड से बोट उसमें चलती चली जाती है, उसी को राफ्टिंग बोल लेते हैं, उसमें लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ होता है कि अगर आप रिवर के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, वी प्लस यू हो जाती है। अगर आपकी स्पीड 5 फीट पर सेकेंड है, रिवर की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो भाई 5 + 3 मिलकर 8 हो जाएगी, इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। और ऐसे केसों में अगर बोलते हैं कि वो ए से, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, ये पॉइंट बी लिखा है यहाँ पे, पॉइंट बी तक वो जाता है, ठीक है, ऐसे बोलता है, डिस्टेंस क्या है इसकी होती, मान लो कि डी होती, कितनी होती है डी,
time taken by the person to move from A to B D distance टाइम क्या आएगा, सपोज टाइम ही आएगा टी, आप इसको टी डी मान सकते हैं, डाउन स्ट्रीम से बोला डाउन स्ट्रीम, यह आएगा ए बी, आप चले कितना अपॉन क्या आपकी नेट स्पीड, ठीक है जो नेट स्पीड आप कहेंगे, तो ए बी क्या आएगा, यह आएगा डी अपॉन वी प्लस यू, ठीक है। और उसमें लिखो एंड व्हेन, फिर डायग्राम ना ड्रॉ करते हैं, या ड्रॉ करते कर डायग्राम इसमें, इसमें बोला क्या कि यही बंदा अब क्या कर रहा है भाई, ये लौट के वापस आ रहा है, वो कह रहा है चलो यार अब इतना पहुंच गए ए से बी, अब वापस चलते हैं, तो वापस आने में क्या वो आसानी से पहुंच जाएगा, वी माइनस यू, जब भाई जब वापस चलेगा तो क्या उसको दिक्कत होगी या दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी सर, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम आएगी भाई, प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अब रिवर उससे लड़ रहा है, रिवर ये नहीं चाहता कि आप रिवर के अगेंस्ट जाएं, ठीक है समझे, आप देखिए ध्यान से भाई, झगड़ा कब होता है, झगड़ा तब होता है जब हम लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते, जाहिर सी बात है, अब जो आप बोल रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे हैं, तब में आप में झगड़ा हो जाएगा, अब जो आप बोल रहे हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ, वही मैं भी कर रहा हूँ, तब में आप में दोस्ती रहेगी, तो ये में दोस्ती हो गई है कि रिवर बोल रहा है कि आगे चलो, वो कह रहा ठीक है हम भी आगे चल रहे हैं, तो इस समय रिवर और ये जो पर्सन है दोनों के एक ही विचार है आगे बढ़ना, इसलिए भाई मिल गए दोस्ती हो गई और फॉर्मूला आ गया बी प्लस यू का, बी प्लस यू क्या बी प्लस बढ़ गए जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे उल्टे आ गए वो बोला नहीं यार मेरे को वापस अपने घर जाना है, मुझे बी से ही रहना है, रिवर मना करेगा कि हम जाने नहीं देंगे, तो उसे झगड़ा करेगा, ऐसे केस में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी या उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन तभी बन सकता है जब उस पर्सन की स्पीड वेलोसिटी आपके रिवर के फ्लो से ज्यादा हो, मान लो कि भाई आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और रिवर की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो होगा 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, लेकिन मान लो रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा हो, रिवर की स्पीड हो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड और हमारी स्पीड हो 5 ही मीटर पर सेकेंड, तो क्या हम उसमें तैर पाएंगे, क्या हम ऐसे बहाव में स्विमिंग कर पाएंगे, बताइए क्या होगा ऐसे केस में, तो होगा क्या ऐसे हम पानी के फ्लो के साथ बह जाएंगे, हाँ आप पानी के फ्लो के साथ बह जाएंगे भले आप कुछ भी कर ले, ठीक है जो भी आपके हिली ट्रैक्स में रैफ्टिंग करते हैं जो बोट्स आप देखते हैं वो कभी भी बहाव के अगेंस्ट नहीं आते, क्योंकि वो अगेंस्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि उस रिवर का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि आप उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते, ठीक है आजकल जगह जगह आपने देखा होगा जगह जगह बाढ़ आ रही है, बहुत तेज नदी में स्पीड बढ़ रही है, फ्लो हो रहा है, तो जब कहीं बाढ़ आती है या जब कहीं नदी में ज्यादा पानी आ जाता है उसका फ्लो बढ़ जाता है, तो उसमें लोग स्विमिंग नहीं कर पाते, उसमें सब चीजें बह जाती है, क्योंकि उससे कोई लड़ नहीं सकता, उसकी फ्लो इतना ज्यादा होता है रिवर का कि आप में हम उतनी ताकत नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट स्विमिंग करके उससे जीत जाएं और हम बी से ए पहुंच जाएं, क्लियर पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड तो यार 20, 30, 50 मीटर पर सेकंड हो रही है, हमारी यार पूरी ताकत लगा भी देंगे तो भी 5 आने वाली है, तो कहाँ हम 5 कहाँ वो 50, जाहिर सी बात है कि हम हार जाएंगे और हम लोग उसी बहाव में बह जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तभी बनता है जब आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा हो, ठीक है तभी भाई बात बन सकती है, यहाँ मैं मानता हूँ कि हाँ भाई वी इज ग्रेटर देन यू, वी बड़ा है यू से, तो नेट स्पीड आपकी आएगी वी माइनस यू, ठीक कितनी आएगी वी माइनस यू, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हेन अ पर्सन When a person swims, इसमें लिखिए आप
इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रिवर फ्लो, ठीक है, देन तब क्या होगा, द नेट वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विल बी, आप बोलेंगे वी माइनस यू, यहां में लिखा हुआ इस केस में, यहां मैंने भाई एज्यूम कर रखा है कि वी इज ग्रेटर देन यू, ठीक मैंने मान रखा है, तभी हम भाई क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो अगर अगर रिवर का फ्लो ज्यादा होगा तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो आप तो उसके भाव में बह जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा भाई हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है, हम फिर अपने आप को या लोग हमको ढूंढते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा फिलहाल हमारे क्वेश्चन में, तो नहीं होने वाला, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो नेट वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विल बी मास यू, ये बात सही है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एंड इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, अप मतलब होता है कि ऊपर ऊपर जाना, ऊपर मतलब क्या होगा इसके अगेंस्ट आना, ठीक है, अपस्ट्रीम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू मूव, सो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू मूव, मूव कहां से करना है बताइए, कहां से कहां जाना है हमको, बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए मतलब क्या होगा, डिस्टेंस आएगी डी, डी क्या होगा, डी इज कॉल्ड डिस्टेंस, बताइए कितना आएगा फॉर्म, कौन बताएगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिखना ये कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन से इट इज कॉल्ड टी, देखिए टी अप लिखा हुआ, अप स्ट्रीम, इसको मैं अप ऐसे लिख देता हूँ इसको, और इसको मैं टी लिख देता हूँ, टी डाउन ऐसे बोल देता, ठीक है, जो भी, तो टी अप क्या होगा, ये अप आएगा देखिए ए बी अपॉन वी नेट आएगा, ए बी क्या आएगा, ये आएगा डी अपॉन वी माइनस यू आएगा, ठीक है, एंड हियर की टी जो आप आए दैट इज ग्रेटर देन टी डाउन, ये तो सब जानते हैं, ज्यादा लगेगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, तो चलिए अब वो पूछेगा इसमें कि बताइए आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड मैंने कैसे बताई थी आपको, पीछे याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको, इसी के पीछे चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बात एक बार पढ़ाई थी एवरेज स्पीड, आपको याद है बात, ये पहले पढ़ाया था पोजीशन फिर डिस्टेंस, क्या क्या पढ़ाया था, पॉइंट को सबको याद है क्या क्या पॉइंट पढ़ाए थे, पढ़ाया था मैंने सबसे पहले आपको पोजीशन, फिर क्या पढ़ाया था उसके बाद, डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था, और एक मैंने पढ़ा था आपको एवरेज स्पीड, पढ़ाया था आपको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब मैंने पढ़ाया था उसके बहुत से केस कराए थे कि भाई डी दे रखा हो, टी दे रखा हो तो क्या करना है, डी दे रखा हो, वी दे रखा हो तो क्या करना होता है, तो वहां पे लिखा होता है कि अगर मुझको डी और वी दे रखा होता है तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सबको पता है डिस्टेंस क्या होगा, आएगी डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस डी टू अपॉन टाइम, मतलब डी वन अपॉन वी वन प्लस डी टू अपॉन वी टू, ये पढ़ाया गया था, तो वहां मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर डी सेम होता है, अगर डी सेम होता है तो वी एवरेज कितना आता है, तो वो फॉर्मूला आया था टू वी वन वी टू अपॉन वी वन माइनस वी टू, ऐसे पढ़ाया गया था, यहाँ पे ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको कि जब आप देखिए जब ये बोलते हैं कि इस रिवर के फ्लो में, इस रिवर के फ्लो में आप देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी यहां से आधा का अगर आप गए तो आपकी स्पीड थी वी प्लस यू, मान लो ये वी वन
ये आपके वी डाउन स्ट्रीम है, आप वापस आए तो स्पीड कितनी होगी आपकी, v माइनस यू, दिस इज कॉल्ड v अप स्ट्रीम। सब क्वेश्चन मांगे देखिए, जब गए तो आप क्या चल रही ए बी क्या चल रही, अब ये आपका पूरा डी आ गया, जब गए तो ए बी था, जब वापस आया तब भी ए बी था, बराबर था ना, सेम था, इज इट क्लियर। तो यू कैन से हियर एवरेज स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम मतलब ए से बी एंड अप स्ट्रीम मतलब बी सी, यू कैन से देखिए वी एवरेज क्या आएगा, फॉर्मूला था वहां पे टू वी वन वी टू अपन वी वन प्लस वी टू था, वी वन पढ़ाया था ठीक है, ये आप पीछे देख लीजिएगा, ये होना तब आया था जब उसका डिस्टेंस सेम होता है, तो जब मैं ए से बी गया और जब मैं बी से ए वापस आया तो डिस्टेंस सेम आएगी, वी वन कौन है जाते समय, तो मेरा वी वन नहीं आएगा यहाँ पे, जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर फॉर्मूला बनेगा टू वी डाउन स्ट्रीम वी अप स्ट्रीम और डिवाइड आएगा वी डाउन स्ट्रीम प्लस वी अप स्ट्रीम, ये इसका मीनिंग आ जाएगा, इज इट क्लियर। v एवरेज इक्वल टू, सब क्वेश्चन आगे फॉर्मूला आपका ये है ठीक है, ये पर ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये आपको पीछे पढ़ाया गया था कि अगर डिस्टेंस सेम आती है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, वी वन कौन है जाते समय, वी टू कौन है आते समय, अब मैं सब कुछ डाल देता हूँ तो आपको यह आएगा टू, देखिए क्या होता है वी डाउन वी प्लस यू, ये क्या होगा वी माइनस यू, ये आपको पता होगा, डिवाइड क्या आएगा वी प्लस यू और प्लस वी माइनस यू, आपको समझ आ गया इतना, इज इट क्लियर। वी एवरेज सबको समझ आ रहा बच्चा, ये बताइए क्या होगा आगे, बताइए क्या होगा, देखिए यू सी यू कटेगा इसमें, क्या कटेगा क्या कटेगा क्या बचेगा को बताओ, देखिए यू कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे टू वी आएगा, नीचे क्या आएगा टू वी, और नीचे का टू वी का टू अपर का टू कट आएगा, ये भी आपको दिखेगा, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साफ दिख रहा होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा आपका ए माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये आपका आएगा टू, ये आएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन क्या आएगा अपॉन टू वी आएगा, टू से टू कट गया, तो पूरा आपका बनेगा वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर अपॉन क्या वी आएगा, आंसर आ गया, तो दिस इज योर आंसर, ध्यान रखिएगा कि भाई मेरा इतना आ गया, ये कब होगा जब वी आपकी स्पीड है, वी किसकी स्पीड है उस पर्सन की, और यू किसकी स्पीड है रिवर की स्पीड है ठीक है, रिवर की स्पीड कम है तब भी आप भाई वापस आ भी पाएंगे, अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हो गई तो हम कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे, हम तो उसी बहाव में चले जाएंगे आगे, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, सो दिस थिंग इज हियर, अब इसमें लिखिए ध्यान से, सब क्वेश्चन में आ गया, अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, बताइए सर, विल यू प्लीज टेल द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जितना रिवर के फ्लो ने आपको शिफ्ट किया उसको ड्रिफ्ट बोल देते हैं, अगर यहाँ पे रिवर का फ्लो नहीं होता तो ड्रिफ्ट जीरो होता, ड्रिफ्ट का जीरो था, ड्रिफ्ट में क्या होगा भाई, नदी का जो बहाव है वो आपको कितना आगे लेके गया, पी से क्यू लेके गया, अगर नदी में बहाव नहीं होता तो आप ए से चलते हो सीधे पी पहुंच जाते, आप इधर तो कहीं जाते नहीं ठीक है, ये चीज है, और ये नदी के और ये नदी क्रॉस करने का सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल पैसेज है, रास्ता है ठीक है,
टाइम सबसे कम लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप नदी के बहाव के परपेंडिकुलर स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर आपको भाई अपना काम जल्दी करना है, ठीक है, तो आप किसी से झगड़ा मत करिए, बस अपने काम पे ध्यान रखिए। अगर आपने झगड़ा करना शुरू कर दिए तो वो दूसरा भी आपसे झगड़ा करेगा और आपका टाइम खराब होगा, तो आपका टाइम खराब होगा तो आपका टाइम फिर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने क्या सोचा कि अगर मुझको रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को पार करना है, वो भी जल्दी पार करना है, हम चाहते जल्दी जल्दी पहुंच जाए, तो रिवर से झगड़ा मत करो। तो झगड़ा नहीं करो मतलब कि रिवर के डायरेक्शन या उसके अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सिंपल परपेंडिकुलर स्विमिंग करना शुरू कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप देखिए परपेंडिकुलर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो रिवर का फ्लो तो यहां से यहां आ रहा होता है ना, इसका मतलब ये है कि रिवर का फ्लो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो आपको थोड़ा आगे लेके चला जाएगा अपने बहाव की वजह से। तो ठीक है, हम पी पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पहुंच गए क्यू पे। आप पी पे नहीं पहुंच पाए, आप पहुंच गए क्यू पे। ऐसा इसलिए हुआ कि रिवर में कुछ बहाव था, रिवर में कुछ फ्लो था, ठीक है, लेकिन आपको टाइम उतना ही लगेगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम ए से क्यू के पास गए, तो जो आपका ए क्यू लेंथ होगी, क्लियर, ए क्यू आएगा। अगर आप ए क्यू पकड़ेंगे, मुझे बोलना पड़ेगा ए क्यू अपॉन वी एम। भाई ये अगर देखते हैं मुझको कि हम इस रास्ते पकड़ते हैं और टाइम क्या लगा, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होगी ए क्यू और स्पीड क्या होगी वी एम, आप क्या जाएगी यहाँ पे, ये वी एम इस वी एम आर से क्या बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, दिस वी एम विल बी ग्रेटर देन वी एम आर। सबको समझ गया? Yes, sir. लेकिन आपका इसमें एक नुकसान हुआ, नुकसान इतना ही हुआ हमारा कि हम पी पे नहीं पहुंच पाए, हम पहुंच गए क्यू के पास में। Are you getting the point? तो अगर हमको बोला गया नहीं यार तुमको तो पी के पास ही पहुंचना है, वहां पे तो आपका दोस्त खड़ा है, आपको उसी से मिलना है जाकर के, आप क्या सोचोगे? मान लो थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसमें लिखा होता है अगला टाइम टॉपिक, उसमें लिखा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है? हम क्या चाहते हैं कि ये रिवर का फ्लो दिखाया जाए इस तरीके से, जो आपको सामने यहाँ दिखेगा भी साफ साफ एकदम अच्छी से, क्लियर। अब बोला गया कि हम यहाँ से यहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से स्विमिंग करें, क्लियर, आप स्विमिंग करें पॉइंट ए से, ये स्विमिंग आप करेंगे इसमें इस जगह से, और हम चाहते हैं हम पहुंच जाए सीधे पी पे, तो आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या करेंगे बताइए? अगर आप ए से स्विमिंग करेंगे, आप बोलते हैं यार हमको तो सीधे पी पे पहुंचना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि भाई हम थोड़ा पीछे स्विमिंग करें। अगर हम लोग स्विमिंग यहां से यहां करने की कोशिश करते हैं, यहां से यहां इस तरीके से, तो डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में सपोज ये पी से, इसको मैं एम मान लेता हूँ, एम आती है, और मैं इस तरीके से स्विमिंग करने की सोच रहा हूँ ऐसे कि यहाँ पे रहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन होगा क्या, होगा ये भाई कि जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तुरंत रिवर का फ्लो आपको यहाँ भेज देगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे रिवर फ्लो क्या आपको फिर यहाँ भेज देगा, मेरी बात समझ रही है? तो रिवर का फ्लो तो अपना काम कर ही रहा है, तो आपको आगे भेज रहा है, लेकिन जितना आपका ड्रिफ्ट आया था, ये देखा आपको पी क्यू आया था, उतना हम लोग उल्टा सोच लेते हैं कि हम भाई पहले से इतना पीछे स्विमिंग करेंगे तो अपने आप रिवर में उसको उतना आगे तो भेज ही देगा। मतलब यहाँ का जो एम पी आपको दिख रहा है, ये एम पी ड्रिफ्ट, वो इसे मैच करना चाहिए, ऐसा कुछ हम इसमें दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसमें कि अगर हम चाहते हैं कि सीधे ए से चले पहुंच जाए पी पे ऐसे चले, तो हमारी स्पीड जो होनी चाहिए VMR, और ये स्पीड क्या होगी, ये देखिए VR आएगी, ये स्पीड क्या आएगी, ये VM आएगी, ये VR आएगा, इज इट क्लियर? तो आपको रिवर के फ्लो से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे,
आपको स्विमिंग करनी चाहिए। और ये कितना है, इसको मान लो अल्फा मान लो, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया बातें? इज इट क्लियर सर? अगर आपको ये चाहते हो कि हम सीधे ए चलें और सीधे पहुंच जाएं पी पे, जबकि नदी में बहाव है, अगर आपने ए से पी को देखते हुए चलना शुरू कर दिया ऐसे जब पीछे गया था, तो क्या आप कहीं पी पे पहुंचेंगे? तो आप पी पे कभी नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंच जाएंगे क्यू पे, क्योंकि रिवर का बहाव, रिवर का फ्लो आपको आगे लेके चला जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं यार, हमको तो यही पहुंचना है सीधे, तो आप क्या दिमाग चलेगा आपका, या थोड़ा सा उल्टा स्विमिंग करो। अगर थोड़ा उल्टा स्विमिंग करोगे तो अपने आप ही नदी का बहाव आपको आगे लेके आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा उल्टा स्विमिंग करना शुरू कर दिया एसीएम वीएम वीएमआर स्पीड के साथ में। यहाँ पर आएंगे अल्फा होगा, अल्फा मुझे को पता नहीं है, मुझको थीटा भी नहीं पता है। यही तो आपका क्वेश्चन है कि भाई अल्फा निकालो थीटा निकालो, हम आगे देखेंगे। थीटा क्या होगा? थीटा आपका होगा 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा होगा, ठीक है। खैर वो हम अभी आगे देखेंगे, यहाँ पर भी होगा। हियर देखिए, जो वी एम होगा होगा वी एम आर प्लस वी आर। VMR क्या है? स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि रिवर के फ्लो को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये उसकी खुद की स्पीड है। लेकिन होता क्या होता, तो यार वो यहाँ चला जाता है, तो VM जो होता है, जो हमको दिख रहा होता है एक्चुअली, वो ये दिख रहा होता है यहाँ पे। ऐसे केस में स्पीड कम हो जाती है और आपको A से P तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगता है, आपको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिस्टेंस कम होती है इस वाले केस में, इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया। देखिए इसको लिखा गया है शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम का सिंपल सा फंडा होता है भाई कि नदी से झगड़ा मत करो, ठीक है। नदी के परपेंडिकुलर स्विमिंग करो, अगर परपेंडिकुलर स्विमिंग करेंगे तो आप, ये तो बात सही है कि पी पे नहीं पहुंचेंगे क्यू पे पहुंचेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नदी आपकी स्पीड को कम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग उल्टा स्विमिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोग रिवर से झगड़ा कर रहे हैं, तो रिवर क्या करेगा, हमसे झगड़ा करेगा और हमारी स्पीड को कम भी कर देगा। जब कम करेगा तो क्या होगा, वो हमको देखेगा कि भाई वो यहाँ से यहाँ ले चला जाएगा इसमें, राइट। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो वीएम इस पे आएगा वो आएगा नेट स्पीड ये प्लस ये, हम दिखाएंगे इसमें। आपका एक फायदा होगा कि आप ए सीधे पी पहुंच जाएंगे शॉर्टेड डिस्टेंस, पर एक नुकसान होगा कि आपको देर बहुत लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको निकालना होता है टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना आएगा? टी आएगा, टी क्या आएगा? देखिए टी आएगा एपी, मतलब वही विड्थ इसकी, अपन वीएम आएगा, ठीक है। अगर डी अपॉन वी एम, यहाँ के देखिए क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है इतना, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम टी वन है, ये टाइम का टी टू होगा, तो यू कैन से कि वी एम इज लेस देन वी एम आर, सो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। मतलब कि इस केस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि हमको परपेंडिकुलर स्विमिंग करनी है बस, और कुछ नहीं होता। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि हमको किसी एंगल पीछे स्विमिंग करनी है। एंगल कितना है मुझे नहीं पता है, अल्फा मुझे पता नहीं, वो भी हम लोग अल्फा की वैल्यू वी आर वी एम आर पर डिपेंड करेगी। हमको जो क्वेश्चन देंगे उसमें डाटा देंगे कि आपकी स्पीड 5 है 4 है 3 है, जो भी दे देंगे उससे हमारा अल्फा और थीटा और टाइम सब निकल आएगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये ऐसा होगा और ये आप अपने ऊपर अपना अपना के देखिए, आजमाइए कि हाँ भाई हम होते तो हम क्या करते। तो आप अगर होते तो आप भी वही काम करते जो ये बंदा कर रहा है, जो ये पर्सन कर रहा है, ये जो कर रहा है यही आप भी करते। जैसे बात है, हम तो ना कुछ अलग करना शुरू कर देंगे। एक रास्ता है कि भाई काम करो, ब्रिज से निकल जाओ,
जल्दी पहुंच जाओगे बिना स्विमिंग करे, बिना झगड़ा करे। लेकिन फिलहाल यहाँ ब्रिज तो है नहीं, हमको तैर के ही पार करना पड़ेगा। तैर के पार करने के दो तरीके होते हैं, या तो शॉर्टेस्ट टाइम या तो शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों में से आपको जो पसंद हो वो लगाइए ध्यान से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए सबको समझ आ गया बच्चा? एक्सक्यूज मी सर। यस सर।